हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवेद खान एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एन के एक्सप्लेन्ड एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई एम गोइंग टू गिव यू द अपडेट ऑफ द फ्लैश मूवी। इट्स अ मूवी ऑफ डीसी, अपकमिंग मूवी द फ्लैश, जो कि बहुत दिनों से अटकी हुई थी। कभी जो है एक्टर को चेंज कर रहे थे, कभी स्क्रिप्ट राइटर नहीं मिल रहा था, कभी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी इस मूवी में, जो कि जिस वजह से मूवी अब तक नहीं बन पाई है। लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि द फ्लैश मूवी की शूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता ये मूवी 2024 तक हमें देखने मिलेगी। एज यू नो, कोविड-19 इज़ गोइंग ऑन एंड द होल वर्ल्ड इज़ पेंडेमिक। दैट इज़ द रीज़न मुझे नहीं लगता द फ्लैश मूवी 2024 तक रिलीज़ हो पाएगी। फ्रेंड्स, आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, एज यू नो, डीसी के काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। मार्वल की स्ट्रेटजी अच्छी है, मुझे तो मार्वल की स्ट्रेटजी अच्छी लगी कि उसने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी अपना करके वो इतना आगे चला गया और डीसी कहाँ रह गया। पर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर डीसी की कमांड क्रिस्टोफर नोलन को दी जाती तो क्रिस्टोफर नोलन डीसी को बहुत अच्छा मतलब कर देते, बहुत ऊँचाइयों पर ले आते डीसी को। एज यू नो, उन्होंने डार्क नाइट की ट्रायलॉजी इतनी बेहतरीन बनाई है। दिस इज़ द बैटमैन मूवी एवर, सीरीज एवर। मुझे नहीं लगता इनसे अच्छी बैटमैन मूवी कोई बना सकता है। तो फ्रेंड्स, हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का। बट मुझे नहीं पता और कि ऐसा डीसी वाला ने क्यों किया, क्यों क्रिस्टोफर नोलन को आगे की मूवीज़ डायरेक्ट नहीं करने दी, जिससे कंप्लीट एक जर्नी बन जाती डीसी की मार्वल की तरह और डीसी मार्वल को टक्कर दे सकता। पर फ्रेंड्स, इसमें द फ्लैश की मूवी मुझे लगता है कि इसकी ओरिजिन नहीं दिखानी चाहिए। एज यू नो, टीवी सीरीज़ चल रही है अब और टीवी सीरीज़ मैं पहले इसकी ओरिजिन दिखाई जा चुकी है। और ये भी कंफर्मेशन है फ्रेंड कि इसमें साइबॉर्ग भी हो सकता है। पहले बैटमैन की कंफर्मेशन थी द फ्लैश पॉइंट की, उस प्लॉट को जो है हटा दिया गया है। अब इन्होंने नए तरीके से प्लॉट बनाया है। ट्रांसफॉर्मर्स जो मूवी आई थी, रिबूट जो मूवी थी, उनकी जो राइटर थी उनको इसकी राइटिंग की कमांड दी गई है इस मूवी की, द फ्लैश की। और द फ्लैश मूवी में इज़रा मिलर होंगे। पहले इज़रा मिलर इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे और उनकी स्क्रिप्ट को जो है कचरे में डाल दिया गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि इज़रा मिलर को ही द फ्लैश के लिए लिया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल, एंड आई विल कीप अपलोडिंग न्यू कंटेंट फॉर यू, न्यू अपडेट्स फॉर द मूवीज़। थैंक यू।